चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, व्हाट इज अप? और दोस्तों, आज हमारे पास एक नॉइस की प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्ट वॉच है। वैसे टाइटल देखकर आपको पता लगेगा कौन सी स्मार्ट वॉच की बात कर रहा हूँ। और ये यहाँ पर है नॉइस कलरफिट अल्ट्रा 3, जो अल्ट्रा सीरीज है नॉइस की, यहाँ पर सबसे प्रीमियम, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि फ्लैगशिप यहाँ पर इनकी जो स्मार्ट वॉच है। काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स रहते हैं इस स्मार्ट वॉच में, लेकिन अभी यहाँ पर उन्होंने कुछ और थोड़े से प्रीमियम फीचर इस वॉच में डाले हैं। जैसे देख सकते हो मेटालिक यहाँ पर जो आपको स्ट्रैप्स मिलते हैं, तो थोड़ी लग्जरी यहाँ पर आपको लुक मिलती है। लेकिन इसके अलावा भी ना आपको जो फीचर्स वगैरह मिलते हैं, जैसे मैंने कल एक वीडियो डाली थी नॉइस फोर्स प्लस की, रगेड एमुलेट स्मार्ट वॉच है, काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉच है, लेकिन उसमें भी कुछ फीचर मिसिंग थे। लेकिन इस वॉच में वो सारे फीचर्स आपको दिए हुए हैं। तो कैसी स्मार्ट वॉच है इस वीडियो को देखकर आपको पता लग जाएगा, क्योंकि इस वॉच को मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ। देख सकते हो मैंने इसे पहना हुआ है, काफ़ी प्रीमियम दिखने वाली स्मार्ट वॉच है। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, ये इस वॉच के बॉक्सेस हैं, और देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर ये दो वेरिएंट में, एक यहाँ पर लेदर स्ट्रैप है और दूसरा यहाँ पर मेटालिक स्ट्रैप्स है, और इसके अलावा सिलिकॉन स्ट्रैप वाली भी आती है। लेकिन ये दोनों भाई काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छे खासे देखने वाली स्मार्ट वॉचेज हैं। और लेदर वाली है ना, मैं इसको पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर पहनकर यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हो कुछ इस तरह से रहती है, तो इसको क्लोजली देखेंगे। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर ये जो मेटल स्ट्रैप वाली है ना, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। मैं भी देखने को थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ कैसी दिख रही है। तो सबसे पहले बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, और 1.96 इंच का एमुलेट डिस्प्ले है भाई, ऑलमोस्ट 2 इंच का डिस्प्ले है यहाँ पर। फंक्शनल क्राउन आपको यहाँ पर मिलता है, उसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SPO2 मॉनिटरिंग, और यहाँ पर आप 2-7 डेज की बैटरी मिलेगी। मेटालिक बॉडी है, 150 प्लस यहाँ पर आपको जो वॉच फेसेस मिलते हैं, उसके अलावा IP68 की रेटिंग है, SPO2 जैसे बताया, ये ऐसे फीचर्स आपको मिल ही जाते हैं। तो ये इसका बॉक्स है, जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं। और बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पर नॉइस की ब्रांडिंग है, तो इसको हटा देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक एनवलप है, और ऑब्वियसली इसमें यहाँ पर इसके जो डॉक्यूमेंटेशन रहती हैं, तो यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल है, यहाँ पर वारंटी इन्फॉर्मेशन है और कुछ स्टिकर्स हैं। उसके अलावा जो वॉच है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर पैकेजिंग में आती है। तो इसको यहाँ पर इसके जो बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं, और भाई देख सकते हो जो वॉच की लुक है भाई, बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्रीमियम सी लग रही है। तो इसको क्लोजली देखेंगे। उसके अलावा बॉक्स में यहाँ पर थोड़े से और कुछ यहाँ पर एसेसरीज हैं, जैसे ये इसकी चार्जिंग केबल है, और ये यहाँ पर है एक मैग्नेटिक पोको कनेक्टर पिन वाली चार्जिंग केबल। डॉक रहता तो थोड़ा सा और सही रहता, लेकिन ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक और छोटा सा कंपार्टमेंट है, और यहाँ पर भी कुछ जो चीज़ें आपको दी हुई हैं, तो यहाँ पर जो स्ट्रैप्स हैं उनको अपने हिसाब से एडजस्ट करना, तो उसका एक टूल आपको यहाँ पर बॉक्स में ही मिलता है। तो अच्छी बात है, इसको यहाँ पर बॉक्स में इंक्लूड किया गया है, और यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है कैसे इसको यूज़ करना है। तो ये तो थे भाई बॉक्स की कॉन्टेंट, लेकिन अब आते हैं हमारी नॉइस कलरफिट अल्ट्रा 3 की तरफ। तो सबसे पहली चीज़, तो जैसा यहाँ पर आप देख ही सकते हो, इस वॉच का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी लग्जरी टाइप का है। ऑब्वियसली आपको यहाँ पर जो मेटल स्ट्रैप्स मिलते हैं, वैसे तो मैं यहाँ पर ये जो लेदर स्ट्रैप वाली जो यूज़ कर रहा था मुझे काफ़ी सही लगी थी, लेकिन यहाँ पर अगर आपको मेटल स्ट्रैप पसंद है तो यहाँ पर इसकी जो लुक है वो भाई काफ़ी सही लग रही है। इसके जो ऊपर कुछ एक स्टिकर सा लगा है, तो उसको यहाँ पर हटा देते हैं, और अब देख सकते हो यहाँ पर आपको जो पूरी जो लुक मिलती है वो पूरी आपको मेटालिक मिलती है। ऑब्वियसली भाई मेटल है तो थोड़ी सी हैवियर साइड पर है ये, लेकिन जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लुक है इसकी, अगर आपको इस तरह की लुक पसंद है। लेकिन जैसा मैंने बताया था, मैं यहाँ पर जो लेदर स्ट्रैप वाली जो वॉच है उसको मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर यूज़ कर रहा था, तो उसकी जो लुक रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको मेटल बिल्ड मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रैप्स हैं वो आपको यहाँ पर जो लेदर स्ट्रैप्स मिलते हैं, तो थोड़ी सी अगर आपको कैजुअल लुक चाहिए तो आप ये लेदर स्ट्रैप वाली या फिर जैसे सिलिकॉन स्ट्रैप वाली ले सकते हो, दिखने में काफ़ी सही लग रही है भी। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी ऐसे फॉर्मल लुक चाहिए, आपको इस तरह की लुक पसंद है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इसकी लुक भी काफ़ी बढ़िया है। वैसे आपको इन दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है लुक, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी वॉच के ओवरव्यू की बात करें, जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपको 1.96 इंच का यहाँ पर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो इसको ऑन करके मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर एक जो फंक्शनल क्राउन आपको मिलता है, और साथ में यहाँ पर एक जो शॉर्टकट बटन भी है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो माइक्रोफोन है, और इसके पीछे जो आपको इसके सेंसर दिख जाएंगे, तो इसके लिए मुझे इसको ओपन करना होगा। तो स्ट्रैप ओपन करने के लिए कुछ इस तरह से जो बकल है ओपन करना है, और पीछे की तरफ इस वॉच के जो हार्ट रेट, SPO2 जो सेंसर है, अगर आप नहीं देख पा रहे तो मैं वैसे इस वाली वॉच में दिखा देता हूँ। तो पीछे की तरफ इसके हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर और चार्जिंग पॉइंट्स है। बाकी ऑब्वियसली यहाँ पर जो मेटल स्ट्रैप्स हैं इनको अगर आपको चेंज करना होगा, तो वैसे आप इसको किसी भी 22mm वाले स्ट्रैप से रिप्लेस कर ही सकते हो। तो ये बात हुई इनके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में, जो कि मुझे काफ़ी सही लगी। लेकिन अब यहाँ पर इस वॉच के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो वॉच को ऑन करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो फंक्शनल क्राउन है, यहाँ पर इसको आपको प्रेस करके रखना है, और ये जो वॉच है यहाँ पर ऑन हो जाती है। उसके अलावा ऑब्वियसली इसको अपने फ़ोन के साथ पेयर करने के लिए अपने फ़ोन में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है, नॉइस फिट। और अभी तक जितनी भी स्मार्ट वॉचेस की यहाँ पर मैंने ऐप्स देखी, उनमें से ये सबसे ज़्यादा फीचर रिच ऐप है, और जो पेयरिंग प्रोसेस है वो भी काफ़ी सिंपल है, मुझे यहाँ पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है कनेक्टिविटी वाइज भी। लेकिन अब बात करते हैं इस वॉच के फीचर के बारे में, और जैसा बताया था इस वॉच को मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसी में आपको इसके फीचर्स दिखा देता हूँ। तो इस वॉच को रखते हैं साइड में। तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर इस वॉच में जो आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले मिलता है 1.96 इंचेस का
काफी ह्यूज डिस्प्ले है, काफी बड़ा डिस्प्ले है, और यहाँ पर आपको जो एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलता है, तो कलर्स यहाँ पर काफी पंची हैं, डीप ब्लैक्स आपको मिलते हैं। और ब्राइटनेस की भी बात करें तो यहाँ पर जो ब्राइटनेस है इस वॉच की भाई बहुत ही बढ़िया, एमोलेड डिस्प्ले है, तो यहाँ पर इंडोर हो आउटडोर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 500 निट्स के करीब की यहाँ पर जो ब्राइटनेस आपको मिलती है, काफी अच्छी खास है यहाँ पर जो ब्राइटनेस भी है। उसके अलावा रेजोल्यूशन की बात करें तो 466x502 पिक्सल की रेजोल्यूशन है, तो काफी हाई यहाँ पर जो पिक्सल डेंसिटी भी है, और इसी वजह से जो टेक्स्ट वगैरह वो काफी शार्प रहता है, काफी शार्प डिस्प्ले है ये। उसके अलावा इस वॉच में यहाँ पर 60 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट भी दिया हुआ, तो जो यूआई वगैरह रहेगा वो थोड़ा सा स्मूथ भी रहेगा, लेकिन इसको आगे हम टेस्ट करेंगे। और ऑब्वियसली यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको जो सारे एमोलेड जो स्क्रीन के आपको जो फीचर्स मिलते हैं यहीं पर ही। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्क्रीन अगर आप कवर करोगे तो यहाँ पर जो स्क्रीन है ऑफ हो जाती है, डबल टैप करोगे तो यहाँ पर जो स्क्रीन है वो ऑन भी हो जाती है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी जो फीचर दिया, तो जैसा आप देखते हो यहाँ पर एक ऑलवेज जो ऑन डिस्प्ले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन ना इस वॉच में आपको यहाँ पर चार ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के जो आपको वॉच फेसेस मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये जो एनालॉग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो कुछ इस तरह से ब्राइटनेस बोलोगे यहाँ पर ठीक है, क्योंकि रात में बहुत ज्यादा ब्राइट भी हो जाते हैं, तो ये इसका एनालॉग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक डिजिटल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ इस तरह से यहाँ पर मिलता है, जिसमें स्टेप्स काउंट वगैरह भी दिख जाएंगे। उसके अलावा एक और यहाँ पर जो एनालॉग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, और लास्ट में यहाँ पर एक और आपको यहाँ पर डिजिटल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो यहाँ पर जो वॉच फेस दिया हुआ है। थोड़ा सा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर जैसे आप देखोगे एक्टिवेट होने में टाइम लगा था, जैसे मैंने इसको कवर किया स्क्रीन को और थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये दिखता है, डबल टैप करके वापस स्क्रीन ऑन कर सकते हो, तो ये सारे फीचर यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करें। बाकी बेजल्स की बात करूँ तो वो भी बोलो कि इस वॉच के भाई बहुत ही मिनिमल से है, वैसे ब्लैक वॉच फेस के साथ आपको पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसका वॉच फेस अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर ये जो फंक्शनल क्राउन है ना इसको आप रोटेट करोगे तो अलग अलग यहाँ पर जो वॉच फेसेस हैं उन्हें आप यहाँ पर चूज कर सकते हो, और व्हाइट वाले वॉच फेस के साथ यहाँ पर आपको जो इसके बेजल्स का भी आइडिया लग जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट में बहुत ही कम बेजल्स हैं, अगर इस एंगल से देखोगे तो लगेगा ही नहीं भाई यहाँ पर कोई बेजल है भी, लेकिन यहाँ पर ऊपर और नीचे हल्के से आपको यहाँ पर चिन्ह देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो बेजल्स हैं वो बहुत ही कम है इस वॉच में। लेकिन भाई जो ब्लैक वॉच फेस के साथ तो यहाँ पर लगता ही नहीं है कि यहाँ पर इस वॉच में आपको बेजल्स मिलते भी हैं, तो काफी यहाँ पर मुझे लगता है कि जो डिस्प्ले है काफी बढ़िया इस वॉच का। बाकी वॉच फेस को चेंज करना है तो इसकी स्क्रीन को होल्ड करके भी आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। बाकी ऑब्वियसली इसके साथ इसकी ऐप भी है, तो यहाँ से भी आप जो बहुत सारे जो वॉच फेसेस हैं उसे यहाँ पर चेंज कर सकते हो, देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर कैटेगरीज हैं। लेकिन अपना भी कोई वॉच फेस लगाना हो ना तो यहाँ से वो आप कस्टमाइज करके लगा सकते हो, कोई फोटो वगैरह लगानी हो। जैसे था भाई ऐप बहुत ही फीचर रिच ऐप है, तो ये काफी सही चीज है। लेकिन अब बात करते हैं जो बाकी जो वॉच के यूआई के बारे में, तो सबसे पहले होम स्क्रीन पे ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन पैनल है, नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर क्विक टॉगल बटन है जहां पर आप इसकी जो ब्राइटनेस वगैरह उसे यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जैसे था ब्राइटनेस काफी बढ़िया है, मैंने इसको अभी यहाँ पर 3 लेवल पर रखा हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पर जो सेटिंग का ऑप्शन है लेकिन इसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद होम स्क्रीन पर अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते हो तो शॉर्टकट कार्ड है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हार्ट रेट के ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, इसको पहनेंगे तो चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन मॉनिटरिंग है, स्लीप मॉनिटरिंग है, और उसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रेस मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक शॉर्टकट कार्ड है, और यहाँ पर आपको जो सारी जो इन्फॉर्मेशन एक ही यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो सबसे पहले एक्टिविटी है, और एक्टिविटी में जाओगे तो यहाँ पर आपके जो स्टेप्स काउंट है, कैलरी कितनी बर्न करी है, स्टैंडिंग और किलोमीटर कितने आपने यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर किया। उसके अलावा यहीं पर आप और स्वाइप करोगे तो आपको वेदर की इन्फॉर्मेशन, अलार्म है, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीथ का ऑप्शन है, और वर्ल्ड क्लॉक यहाँ पर आपको दिया है। और देख सकते हो यहाँ पर जैसा ज्यादा 60 हर्ट्ज का जो आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, तो काफी यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जो स्मूथ मेन्यू है। लेकिन जैसे मैं आपको दोबारा दिखाऊं, तो जैसे मैं स्क्रीन पर वापस आ रहा हूं तो कहीं जगह पर थोड़ा बहुत स्टटर भी करता है, जैसे अभी यहां पर देखा होगा कि थोड़ा सा स्टटर किया, लेकिन अभी देखोगे तो यहां पर काफ़ी स्मूथ तरीके से ये मेन्यू काम कर रहा है। तो इनिशियली यहां पर फर्स्ट जो स्वाइप रहता है थोड़ा सा यहां पर स्टटर कर रहा है, लेकिन देख सकते हो अब यहां पर काफ़ी स्मूथ यहां पर जो यूआई है इसका। उसके अलावा यहां पर ये जो बटन है जैसे फंक्शनल क्राउन है, इसको आप प्रेस करोगे तो यहां पर इस वॉच के मेन्यू में चले जाओगे और यहां पर आपको इस वॉच के सारे फीचर्स दिख जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर नॉइस हेल्थ का फीचर है, और इसमें ऑलरेडी हमने देखा एक्टिविटी, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीथ और स्ट्रेस का ऑप्शन है। उसके अलावा यहां पर नॉइस बस का फीचर है, ऑब्वियसली कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉल हिस्ट्री, डायल पैड, और कॉन्टैक्ट आप इसकी ऐप के थ्रू सिंक कर सकते हो, मैंने वैसे एक कॉन्टैक्ट ऐड किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर डायल पैड में जाकर कोई नंबर वगैरह डायल करना हो तो वो यहाँ पर आप कर सकते हो, तो देख सकते हो मैंने कॉल कर दिया, और यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस रहते हैं, तो कॉल आप काट सकते हो, कॉल को म्यूट कर सकते हो, या फिर जो वॉल्यूम है उसे यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है अभी फुल है, लेकिन इसको हम थोड़ी देर में चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जो क्लॉक का ऑप्शन है, और क्लॉक में जाएंगे तो यहाँ पर अलार्म, टाइमर, स्टॉपवॉच, वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन है, तो ये सही है। उसके अलावा वर्कआउट के ऑप्शन है, और इसमें आपको यहाँ पर 100+ जो वर्कआउट के ऑप्शन दिए हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर कुछ लिमिटेड से जो वर्कआउट के ऑप्शंस हैं 10 के करीब है मेरे ख्याल से, लेकिन इसके अलावा इसकी ऐप में जाकर और ऐड कर सकते हो, तो 10 के आसपास ही आप इसमें रख पाओगे जो अपने फेवरेट्स। उसके अलावा स्पोर्ट्स रिकॉर्ड का ऑप्शन है, जितने भी वर्कआउट के जो हिस्ट्री रहेगी वो यहाँ देख पाओगे। रिमाइंडर्स हैं, म्यूजिक है, वेदर के अंदर जाओगे तो करंट एरिया का वेदर है, मिनिमम मैक्सिमम, और आई थिंक नेक्स्ट 5 डेज का जो फोरकास्ट है आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जैसा आप देखोगे
कि हम थोड़ा सा ऊपर चले गए तो वापस से यहाँ पर आएंगे। तो वॉच फेस में यहाँ पर आप वॉच फेस चेंज कर सकते हो। इस वॉच में जो काफ़ी वॉचेज में मिसिंग से ऑप्शन रहता है वो रहता है स्टॉक का, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो कुछ अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट रखते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट रखते हो, तो आई थिंक यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। मैंने कुछ म्यूचुअल फंड ऐड किया है इसमें। उसके अलावा यहाँ पर फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, और लास्ट में यहाँ पर एक कैलकुलेटर का भी ऑप्शन आपको मिलता है। तो ये सही है, यहाँ पर ये मिसिंग नहीं है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स के काफ़ी काम आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, और सेटिंग में यहाँ पर सबसे पहले रेस्ट अवेक का ऑप्शन है। तो रेस्ट अवेक वाला फीचर है, इसको यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर ये जो स्क्रीन है उसको ऊपर की तरफ करोगे तो यहाँ पर ये जो स्क्रीन है ऑन हो जाती है। तो रेस्ट अवेक वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर वापस आते हैं सेटिंग में। उसके अलावा टैप टू वेक का ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको डबल टैप करके जो वेक कर सकते हो स्क्रीन। ब्राइटनेस का ऑप्शन है, स्क्रीन टाइम आउट यहाँ से चेंज कर सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, तो जैसे बताया था इसमें आपको यहाँ पर चार ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको जो इसका जो टाइमिंग वगैरह सेट करनी हो, किस टाइम पे ऑन हो ऑफ हो, तो यहाँ से वो इनेबल डिसेबल आप कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब, रिंग वाइब्रेशन यहाँ पर आप जो चेंज कर सकते हो, तो साइलेंट मोड पे रखना है या फिर वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो मेन्यू व्यू है, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो अभी लिस्ट व्यू था, उसको हमने ग्रिड व्यू कर दिया है, तो देख सकते हो अभी यहाँ पर ये जो कुछ इस तरह से हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है ऑटो स्पोर्ट्स डिटेक्शन का, तो स्पोर्ट्स मोड इनेबल करना भूल गए तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके जो आपकी इन्फॉर्मेशन सेव करेगा। विजिट सॉर्टिंग है, तो यहाँ पर वो आप पर्सनलाइज कर सकते हो, लेकिन ये इसके ऐप में आपको जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर है अबाउट कॉल, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, QR कोड, रिबूट, पावर ऑफ और रीसेट। तो ये सारे भाई इस वॉच के फीचर्स हैं। भाई बोलते बोलते मैं ही खुद थक गया हूँ, क्योंकि फीचर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे हैं, काफ़ी सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट सारे फीचर हैं, सिर्फ एक फीचर जो आपको आजकल बजट स्मार्ट वॉच में मिलता है जो कि है गेम वाला फीचर। तो अगर आप गेम्स खेलते हो तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको इस वॉच में देखने को मिलेंगे। तो मुझे यहाँ पर इसका UI, इसका जो फीचर्स वगैरह हैं, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस लगा अभी तक। लेकिन इसके अलावा ऑब्वियसली एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो उसको चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इसमें जो आपको हार्ट रेट और SpO2 सेंसर्स मिलते हैं तो उसको भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं कितने एक्यूरेट हैं। उसके बाद वॉच पहनने के बाद इसकी जो इन हैंड फील रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है। डेफिनेटली भाई काफ़ी प्रीमियम लुकिंग स्मार्ट वॉच है, दिखने में काफ़ी सही लग रही है। यहाँ पर ये जो लेदर स्ट्रैप्स के साथ ये काफ़ी बढ़िया लगी मुझे वॉच, और इन हैंड भी काफ़ी कंफर्टेबल स्मार्ट वॉच है। और डिस्प्ले यहाँ पर काफ़ी बड़ा है भाई, 1.96 इंच का, ऑलमोस्ट 2 इंच का डिस्प्ले है, AMOLED डिस्प्ले है, दिखने में काफ़ी प्रीमियम सी, या फिर मैं बोलूँ काफ़ी सुंदर भी लगती है वॉच। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको ये जो मेटल स्ट्रैप्स के साथ भी मिलती है, तो उसकी जो लुक रहती है इन हैंड वो कुछ इस तरह से रहती है। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर इसको अपने रिस्क के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, लेकिन यहाँ पर इसकी लुक है वो भी काफ़ी सही लग रही है। तो अगर आपको थोड़ी सी फॉर्मल लुक चाहिए तो उसके हिसाब से यहाँ पर इसकी लुक काफ़ी सही लग रही है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर पूरी मेटल है तो थोड़ी सी हैवियर साइड पर है। तो इस वजह से ना थोड़ी सी रात को जैसे अगर आप स्लीप ट्रैकिंग के लिए पहनकर सोते हो ना, तो थोड़ी सी ऐसे कंफर्टेबल नहीं रहेगी। उसके लिए यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इस तरह की जो लेदर स्ट्रैप के साथ या फिर सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ आप इसको पहनकर रख सकते हो। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इसका जो हार्ट रेट सेंसर है, SpO2 सेंसर, उसको चेक कर लेते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका जो हार्ट रेट है उसको चेक करेंगे, और यहाँ पर इस वॉच में आपको कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग का सपोर्ट मिलता है, तो हिस्ट्री वगैरह देख सकते हो। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर अपनी फिंगर पर एक ऑक्सीमीटर लगाया, तो देखते हैं यहाँ पर कितनी क्लोज आपको जो रीडिंग्स मिलती हैं। और अभी ऑलरेडी यहाँ पर आ गई है जो रीडिंग्स वगैरह, तो वॉच में दिखा रहा है यहाँ पर 90 बीट पर मिनट, और ऑक्सीमीटर में दिखा रहा है इस टाइम पर 86, यहाँ पर हो गया है 87, 86। तो देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही क्लोज सी रीडिंग्स हैं दोनों ही में, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो इसके जो हार्ट रेट है वो काफ़ी एक्यूरेट है। उसके अलावा इसमें आपको यहाँ पर जो SpO2 मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन दिया है, और उसको भी यहाँ पर हम जो इस ऑक्सीमीटर से कंपेयर कर लेंगे, देखेंगे कितना जो क्लोज रीडिंग्स रहती हैं। और जो ऑक्सीमीटर में वैसे यहाँ पर दिखा रहा था 98%, कई बार ये 97 पे भी गया, लेकिन वॉच अभी भी यहाँ पर जो मेजर कर रही है और इस टाइम पर दिखा रहा है 99%। एक बार फाइनल रीडिंग क्या रहती है उससे हम यहाँ पर इन दोनों को जो कंपेयर कर लेंगे, तो फाइनल रीडिंग ऑलरेडी यहाँ पर आई गई, तो 97% है वॉच में और यहाँ पर है 98%, तो क्लोज सी रीडिंग है। लेकिन हर बार की तरह बोलता हूँ भाई, ये जो वॉचेस है कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो अगर आप इनको यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ आइडिया लेने के लिए यूज़ किया करो। उसके अलावा इसमें आपको स्ट्रेस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। और ये जो स्ट्रेस का जो फीचर रहता है ना, वो बेसिकली आपके हार्ट रेट को मेजर करके आपका स्ट्रेस का लेवल बताता है, कितना हाई या लो है। तो देखते हैं भाई कितना मेरा स्ट्रेस का लेवल है इस टाइम पर। थोड़ा सा वैसे टाइम लगाता है मेजर करने में, लेकिन इसने मेरा जो स्ट्रेस का लेवल है बता दिया, वो बता दिया है 32, और ये नॉर्मल है, तो कितना एक्यूरेट है वो मैं नहीं बता सकता हूँ। और इसके अलावा ना इसमें आपको BP का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है, लेकिन वॉचेज में मैं BP पे ज़्यादा रिलाय भी नहीं करता हूँ। तो ये इस वॉच के हेल्थ के फीचर है जो मुझे काफ़ी सही लगे, काफ़ी एक्यूरेट से लगे। उसके अलावा इस वॉच में आपको यहाँ पर वेयर डिटेक्शन वाला फीचर मिलता है, लेकिन वो जो एरर वगैरह शो करने में बहुत देर लगाता है, उससे पहले यहाँ पर ये बस ऐसे घूमता ही रहेगा, देख रहे हो, किसी तरह से कोई रीडिंग शो नहीं करेगा और किसी तरह से कोई भी जो यहाँ पर सेंसर वगैरह वो भी एक्टिवेट नहीं है। लेकिन जो एरर है वो बहुत देर में आता है, लेकिन यहाँ पर कोई रीडिंग्स वगैरह शो नहीं करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर इसको टेबल पे रख के भी मैं आपको दिखाता हूँ, और टेबल पे रखने के बाद भी यहाँ पर कोई भी जो रीडिंग्स वगैरह ये शो नहीं करता है, लेकिन एरर जो है वो बहुत देर में आता है। अगर मैं आपको इस वीडियो में दिखा पाऊँ तो देख सकते हो काफ़ी देर बाद यहाँ पर ये एरर आया है।
और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो सेंसर्स हैं वो वैसे अपना काफी अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, किसी तरह से फॉल्स रीडिंग नहीं देते हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो उसका भी फीचर यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नंबर डायल करूंगा और इसका जो स्पीकर का वॉल्यूम है वो कितना लाउड है उसे चेक कर लेते हैं। प्रीपेड संबंधित जानकारी के लिए तो जैसा आप सुन सकते हो यहाँ पर जो स्पीकर का वॉल्यूम है मैं बोलूंगा कि यहाँ पर डिसेंट है, बहुत ज्यादा लाउड नहीं बोलूंगा, लेकिन इंडोर में हो तो आराम से कॉल ले सकते हो। आउटडोर बहुत ज्यादा ऐसे नॉइज़ी एनवायरनमेंट में रहोगे तो शायद वहाँ पर थोड़ा सा कम लग सकता है। इस तरह से हाथ रखकर बात करोगे तो शायद आप आराम से कॉल ले पाओगे। और उसके अलावा माइक की क्वालिटी की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर कुछ कॉल दी है टेस्टिंग के लिए और मैं बोलूँगा कि माइक की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर, और सामने वाले को किसी तरह से ऐसे पता भी नहीं लगा कि मैं शायद बहुत से बात कर रहा हूँ। तो माइक की क्वालिटी काफ़ी सही है और स्पीकर की क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी। तो कॉलिंग के लिए लेना चाहते हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन जैसा है आउटडोर में शायद इसका स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा सा कम लगे। उसके बाद नोटिफिकेशन की बात करूँ तो कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन रहती है और कॉल इस टाइम पर आ रही है और ये जो वॉच है यहाँ पर ये रिंग भी कर रही है और वाइब्रेट भी कर रही है और यहाँ पर आपको साइलेंट करने का ऑप्शन है और उसके अलावा यहाँ पर आप कॉल काट सकते हो उठा सकते हो, लेकिन इसके अलावा आप यहाँ पर क्विक रिप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एक रिप्लाई कर देते हैं और उसके अलावा ना ये जो क्विक रिप्लाई है आप इसकी ऐप में जाकर और कस्टमाइज भी कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी सही है। और SMS नोटिफिकेशंस की बात करें तो वो कुछ इस तरह से रहती है और यहाँ पर आपको इमोजी का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन अगर आप स्वाइप करोगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर भी आपको क्विक रिप्लाई के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। बाकी ये जो वॉच है यहाँ पर ये जो हिंदी जो टेक्स्ट वगैरह उसे सपोर्ट नहीं करता, तो वो कुछ इस तरह से आपको रहेगा जब भी आएगा। तो ये एक चीज़ है, अगर होता तो थोड़ा बेटर रहता, लेकिन क्विक रिप्लाई वाला फीचर आपको यहाँ पर मिलता है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और किसी वॉचेज में आपको शायद मिलता भी नहीं है। तो ये तो बात हुई नॉइस कलरफिट अल्ट्रा 3 के फीचर्स के बारे में। डेफिनेटली फीचर रिच वॉच है, काफ़ी दिखने में अच्छी स्मार्ट वॉच है, प्रीमियम स्मार्ट वॉच है और यहाँ पर ये जो मेटल वाली जो स्मार्ट वॉच है उसकी जो लुक है भाई वो तो अलग ही लेवल की है, तो काफ़ी लग्जरी यहाँ पर इसकी लुक है। और अगर आपको एक प्रीमियम लग्जरी स्मार्ट वॉच चाहिए, फीचर काफ़ी अच्छे चाहिए, यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया चाहिए, ऑलमोस्ट यहाँ पर H2H डिस्प्ले जैसा ही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये जो वॉच है बहुत ही सही है। लेकिन इसके अलावा कुछ इसमें कमियां भी है जैसे मैंने बता ही दिया आपको, जैसे कि इसमें आपको यहाँ पर जो आजकल गेम्स वगैरह मिलती हैं तो वो नहीं मिलती हैं, और उसके अलावा यहाँ पर जो आपको इमोजी का सपोर्ट नहीं मिलता है, हिंदी टेक्स्ट का सपोर्ट नहीं मिलता है, और इसके अलावा आई थिंक यहाँ पर और कुछ नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर इस वॉच में आपको मिलती हैं। तो ओवरऑल ये जो वॉच है नॉइस कलरफिट अल्ट्रा 3 काफ़ी ज़बरदस्त स्मार्ट वॉच है और डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और इसका जो प्राइस है वो यहाँ पर है 4,500 रुपये के आसपास, वैसे इसका प्राइस 5,000 रुपये है, 500 रुपये कुछ डिस्काउंट है इस टाइम पर लॉन्च के टाइम पर। तो अगर आपने ये जो वॉच खरीदनी होगी तो इस वीडियो में यहाँ पर व्यू पर बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर यूट्यूब शॉपिंग से यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, मैंने ऐड कर दिया, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से भी चेकआउट कर लीजिए और वहाँ पर आपको एक कूपन कोड भी मिल जाएगा वैसे। तो आपको कैसी लगी ये वॉच नॉइस कलरफिट अल्ट्रा 3, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक्साइटिंग वीडियो के साथ और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।